बर्बाद हो गए। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम की? हर बात पे चिकन चिकन करते, हर बात पे ओके ओके करते। मेरे स्वीटू, मेरे शोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। ये बिल्कुल प्यार नहीं करते, पत्र लिखे। अच्छा अच्छा, देख लो दोस्तों, आप सबके सामने असली चेहरा पत्र लिखा हुआ। लेखा के साथ डांस मस्ती। जब मिलते हैं विराट और जीवा तो लगता है एंटरटेनमेंट का तड़का। और तू विराट, अब आंसू क्यों बाहर आए? सम्राट जिसकी है सुरीली आवाज, वो भी पत्र लेखा का हाथ पकड़। ये है मिस्टर योगेंद्र विक्रम सिंह, जो स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में निभाते हैं सम्राट का किरदार और बनते हैं पत्र लेखा के पति। भाई सीरियल की कहानी में सम्राट जितना सुलझा और समझदार है, रियल लाइफ में योगेंद्र भी उतने ही समझदार और सुलझे हुए इंसान है। मुंबई में वो अकेले रहते हैं। अपनी आवाज में दम लाने के लिए रोज करते हैं योग। खाना बनाने के शौकीन हैं। जितने सिंपल वो दिखते हैं, उतनी ही सादगी से उन्होंने अपने घर को सजाया है। सास बहू और बेटिया पहुंच गया है योगेंद्र विक्रम सिंह के घर करने उनके साथ डे आउट, जहां उन्होंने सास बहू और बेटियों को अपने घर की सैर तो कराई ही, साथ ही बताया कि वो कैसे योगेंद्र से सम्राट बनते हैं और सेट पर सभी के साथ उनका कैसा व्यवहार है। तो चलिए शुरू करते हैं डे आउट, बजा कर उनके घर की घंटी। हेलो, वेलकम टू सास बहू और बेटिया, प्लीज ये हमारा आशियाना। योगेंद्र के मॉर्निंग की शुरुआत होती है योग के साथ, जहां वो अपने शरीर के साथ साथ अपनी आवाज के लिए भी योग करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी वो बोलते हैं तो उनकी आवाज में दम नजर आता है। एज एन एक्टर, आपकी वॉइस उसकी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ उसकी पांच चक्रास के कुछ एक्सरसाइज होती हैं। सो वो मैं यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी अच्छी एयर आती है। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। टूटी 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 ए ओ ओ अम आ आ आ ई सादगी से भरा आशियाना कैसा होता है, ये योगेंद्र विक्रम सिंह के घर को देखकर पता चलता है। लखनऊ के रहने वाले योगेंद्र मुंबई में अकेले रहते हैं, मिनिमल होम डेकोरेशन, लेकिन घर के हर कोने में पौधे लगा रखे हैं, जिससे उनका घर दिख रहा है हरा भरा। तो चलिए शुरू करते हैं इनके घर की सैर और जानते हैं कि घर के किस कोने को इन्होंने कैसे सजाया है। तो आप इधर देखेंगे, पूरा यू नो मेट्रो है एंड मेन रोड जाती है, तो अच्छी सी वाइब आती है। पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ बोलते हैं कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मुझे थोड़ा ग्रीनरी से प्यार भी है। या मुझे ना हर चीज़ बहुत ही लिमिटेड करने की पसंद है, कि जिसकी जितनी गुंजाइश है मैं उतना ही करता हूँ। सो मुझे एक बप्पा की मूर्ति चाहिए थी, एक छोटा सा प्लांट चाहिए था, छोटी सी लाइट चाहिए थी। यस, ये पाम ट्री है। मैंने बोला नेचर से मुझे बहुत प्यार है। मेरे फादर वाज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो अभी वो रिटायर्ड है, तो उनसे थोड़ा थोड़ा मैंने गार्डनिंग का कुछ लिया है। मुझे कभी लोकेशन मिल जाती थी तो कभी मुझे घर वैसा नहीं मिलता था, ठीक है, और कभी घर मिलता था तो हमारा बजट अलाउड नहीं करता था। सो जो फैक्ट है मुंबई में,
बट नाउ मिल गया होपफुली। आप हमारे गेस्ट हैं तो हम आपको गेस्ट रूम दिखाएंगे, बेडरूम में नहीं लेके जाएंगे। दिस इज माय गेस्ट रूम, सिंगल पर्सन के लिए। आराम से आए, लेटें, बैठें। और ये एक टेबल, चेयर, कोई काम करना हो तो। उधर म्यूजिक है, कुछ बुक्स हैं एंड थोड़ा दोस्तों का बर्थडे का प्यार है। योगी की फोटोज हैं। ये आयन करने के लिए हमारे सेट्स पे आप देखते होंगे, ये बहुत ही अच्छे स्टीम आयन के लिए चीज है। फटाफट अगर हमारे गेस्ट को कुछ आयन करना है तो फटाफट कर सकते हैं। ये मैंने ही लगाया था क्योंकि मैं FTI से हूँ, तो हमारे यहाँ थोड़ा लाइट और वाइब, घर की वाइब कैसी हो, लाइट कैसी हो, इसका मजा आपको रात को आएगा। सो वो थोड़ा एक शौक है मुझे। यहाँ भी आप देखेंगे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रखी मैंने, जितनी ज़रूरत की है। सो ये है सम्राट आका योगेंद्र सिंह का घर। योगेंद्र को खाना खाने और बनाने का बड़ा शौक है और साथ ही वो खाने में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वैसे आज योगेंद्र कुछ अच्छा पकाने वाले हैं, तो बताइए योगेंद्र क्या पक रहा है रसोई में। ब्रेकफास्ट में आज हम बनाने वाले ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, टोस्टेड ब्रेड एंड ऑमलेट एंड विद पीनट बटर एंड टी, जिंजर टी। तुलसी का पेड़ भी हमारे पास है तो हम सामने किचन से तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं और चाय में यूज़ करते हैं। या मेरा फेवरेट है विदाउट ये येलो, मैं एग वाइट का ऑमलेट बनाता हूँ नाश्ते में विद ऑरिगानो एंड थोड़ा चीज़ बटर के साथ। इसको भी हम बनाएंगे ऑमलेट को। चाय मेरी तरफ चढ़ चुकी है, आपने धावा बोल दिया अचानक से तो हमने कहा चलो ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे, हम ज़्यादा डाइट नहीं करते हैं। अक्सर लोग देखते हैं अरे एक्टर्स बटर यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं, हम सब कुछ यूज़ करते हैं लेकिन लिमिट में यूज़ करते हैं। सुबह खाना भगवान की तरह खाना चाहिए, नो राजा की तरह खाना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट आप अच्छा कीजिए। बॉलीवुड का फैन हूँ, सुबह सुबह म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है साथ में, और मैं सारी कुकिंग खुद करता हूँ। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुकिंग करता हूँ, नहीं तो मैं सेट पे खाता हूँ, दोस्तों के साथ कुकिंग करता हूँ। सो बेस्ट लाइफ। सो ये नाश्ता रेडी हो गया है। इसमें आप देख लो पीनट बटर की ब्रेड होगी, ऑमलेट ब्रेड होगी। मतलब मैं बहुत बड़े बड़े होटलों में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शूटिंग में जाता हूँ, बट मैं इसके में रह नहीं पाता हूँ यार दोस्त। मतलब मैं सब कुछ करता हूँ, फिर बोलता हूँ कि एक ऑमलेट, एग वाइट ऑमलेट दीजिएगा और ब्रेड दीजिएगा टोस्टेड। सो ये मेरा प्यार है जो मेरे खास दोस्तों जानते हैं कि योगी का कुछ देना है, खुश करना है, सुबह सुबह ये दे दो। योगेंद्र ने अपने बारे में एक राज की बात तो बताई ही, साथ ही टीवी देखते देखते उन्होंने अपना नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है सेट पर जाने की और काम शुरू करने की। तो चलिए फटाफट इनकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं और सफर तय करते हैं घर से सेट तक का। अच्छा एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने मास्क उतार रखा है क्योंकि मुझे कैमरे के सामने मास्क उतारना पड़ता है, वैसे भी ताकि हम शूट कर सकें जब हम एपिसोड शूट करते हैं। बट आपके इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि जो हमारे कैमरामैन हैं और जो हमारे इंटरव्यूअर हैं उन्होंने डबल मास्क लगा रखा है। सो प्लीज़ कोविड को हल्के में ना लें, प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू। इस सफर के दौरान योगेंद्र ने बताया कि अगर वो एक्टर ना होते तो वो डिफेंस में देश की सेवा कर रहे होते। योगेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में बॉलीवुड से की थी। उनकी पहली फिल्म थी बाबर जो 2009 में आई थी, और उसके बाद उन्होंने NH10, सांड की आंख, ट्रैप्ड, मिर्जा जूलियट और गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल जैसी फिल्में की हैं। और फिर 2020 में सीरियल गुम है किसी के प्यार से उन्होंने किया अपना सीरियल डेब्यू। मेरी पैदाइश है वो लखनऊ की है और स्कूलिंग भी वहीं हुई है। इनफैक्ट मेरी पैदाइश फैज़ाबाद की है जो लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर है, अयोध्या नाम सुना होगा आपने। और मेरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई है, मेरा कॉलेज था लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स के लिए मैं FTI गया था पुणे। तो मैं 2012 में मुंबई शिफ्ट हुआ, ठीक है 2012 में आया तो मैंने कुछ फिल्म्स करी मुंबई में। आते मुझे LS10 मिल गई फैंटम फिल्म्स की, और उसके बाद
ड्राफ्ट फिल्म की मैंने एक फिल्म मैंने मिर्जा जूलियट की, फिर मुझे मैं यहाँ पे आके थिएटर वगैरह करता रहता था क्योंकि मैं फिल्म बैकग्राउंड का था तो मैं प्रेफर वही कर रहा था। तो मुझे सांठ की आँख मिली और गुंजन सक्सेना मिली। गुंजन सक्सेना करने के बाद लॉकडाउन लग गया, हम सब घर चले गए, घर पे थे। उसके बाद जस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था और मुझे कॉल आता है कि सर हम एक प्रोमो शूट कर रहे हैं, आप फाइनल हैं सो आपको आना पड़ेगा। तो ऑल द वे मैं ड्राइव करके गया था अपनी कार से, तो 24 घंटे ड्राइव करके वापस आया एंड लग विद इन सेट पे पहुंचा और ऐसे शुरुआत। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम पहुंच गए गुम है किसी के प्यार में के सेट पर। अब आप हमारे सेट पे आ गए हैं गुम है किसी के प्यार में। सो अभी तक की जर्नी देख के मजा आया होगा, चलते हैं हमारे मेकअप रूम की तरफ। जहाँ पर पहुँचते ही योगेंद्र ने सबसे पहले लिया बप्पा का आशीर्वाद। गणपति बप्पा मौर्य और हमारे सेट के गणपति बप्पा। और फिर सीधा पहुँच गए अपने मेकअप रूम में जहाँ होता है उनका मेकओवर और वो योगेंद्र से बन जाते हैं सम्राट। अब आप सम्राट की कार्य क्षेत्र में आ गए और अब मैं योगेंद्र विक्रम सिंह से सम्राट चव्हाण बनूंगा। अब मेकअप स्टार्ट हो रहा है सम्राट के लिए। ये आज का मेरा कॉस्ट्यूम है, जैसा आप देख सकते हैं पिंक, और इस कॉस्ट्यूम को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कोई फेस्टिवल शूट करने वाले हैं। अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ, आप थोड़ा बाहर वेट कीजिए फिर मैं आता हूँ। फाइनली तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। लीजिए शुरू हो गई सम्राट की मस्ती जब उन्हें मिला अपने शिवा यानी विराट का साथ। मैं रेडी होके आ गया हूँ अपने भाई शिवा से मिलने के लिए, तो आप सबको मिलाता हूँ अपने भाई शिवा से, विराट। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे? बस बढ़िया। बढ़िया? या। जीवा और शिवा। जीवा और शिवा, द फेमस जोड़ी। बहुत प्यारा भाई यार मेरा। मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। हम लोग ऑन स्क्रीन जैसे वैसे ही ऑफ स्क्रीन है। yes. मतलब भाई मिल गया मुझे। ही इज वेरी काइंड एंड वेरी कंसिडरेट, सामने वेरी गिविंग एक्टर। तो मतलब और उसका वो दिखता है जब व्हेन ही इज इन अ सीन ना, वो इंटेंस सीन होता है तो उसमें घुस जाता है पूरी तरह से। एंड इट्स वेरी गुड टू सी समवन जो इतना कमिटेड है अपने अपने सीन्स में, अपने इमोशंस को। पता, एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। अगर इतना अच्छा रिएक्शन मिले तो एक्टिंग कैसे अच्छी नहीं होगी। सुना विराट ही नहीं बल्कि पत्रलेखा के साथ भी सम्राट की मस्ती अनलिमिटेड चलती रहती है। वो मंगलसूत्र को दिखा के सम्राट बोला जरा। तुम थे कहाँ, तो क्या करोगे, और ये लटका हुआ था गले में बस फम्राट। और जब आया तो फम्राट है फम्राट। और जब मैं लौट के आया तो सीन में क्या बोलती है, मंगलसूत्र तोड़ दो। अरे जब आया हो तो मरने की बात क्यों कर रही हो। हाँ तो तू जाना। अच्छा तू जा, तू नहीं था तो कुश्ती में छोड़ के चला गया था एक साल पहले। बट बहुत अच्छी है पत्रलेखा, ऐश्वर्या भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और दोनों अच्छे ना, दोनों का नाम लिया हमने। नहीं नहीं बहुत अच्छी है यार वो। अपनी देखो, अपनी फिल्म का हर कोई हीरो होता है, ठीक है, उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी कहानी है, ठीक है। और सो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती है। खत्म हुई मजाक मस्ती और शुरू हुआ काम। सीरियल में फिल्माया जाने वाला है गणपति महोत्सव, जहां पर विराट और सम्राट अपने घर में गणपति बप्पा का आगमन करने वाले हैं। लेकिन शूटिंग शुरू करने से पहले, सीरियल की दुनिया में ये नियम है कि वो कैमरा ऑन करने से पहले लेते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद। तो देखिए कैसे सभी डूब गए बप्पा की भक्ति में। तो चलिए अब सम्राट बिजी होने वाले हैं अपनी शूटिंग में, तो इनको इनकी शूटिंग में छोड़ जाते हैं। लेकिन आपसे हम वादा करते हैं कि हर दिन
हम आपके चहेते कलाकारों की छोटी छोटी और मोटी बातें दिखाते रहेंगे सास बहू और बेटियां के स्पेशल सेगमेंट यानी कि डे आउट में। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।